त्योहारों के सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दालों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। सरकार ने सभी राज्यों को दाल पर लगी हुई स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 17 राज्यों में 217 व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज्यादा दाल है। आपको बता दें कि दलहन और तिलहन का बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भारत को विदेशों से दाल आयात करनी पड़ती है। यहाँ दाल उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2019-20 में तुअर की दाल 38.90 मैट्रिक टन, उड़द की दाल 20.80 मैट्रिक टन, मसूर की दाल 11 मैट्रिक टन, मूंग की दाल 25.10 मैट्रिक टन और चने की दाल 118 मैट्रिक टन रही थी। सरकार दालों की कीमतों को लेकर फुल एक्शन में आ गई है। सभी राज्यों को चिट्ठी लिख दाल की स्टॉक लिमिट का पालन करने के निर्देश दिए हैं। 17 राज्यों में से 217 व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज्यादा दालें पाई गई हैं। अब तक व्यापारियों ने 31 लाख मैट्रिक टन दाल का स्टॉक घोषित किया है। सरकार ने 500 मैट्रिक टन दाल की स्टॉक लिमिट लगाई हुई है और अब तक 7.59 मैट्रिक टन दाल का आयात हुआ है। वहीं बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार दाल आयात करेगी। सरकार ने 1 लाख टन मसूर दाल के आयात का ऑर्डर दिया है। रूस से भी दालों का आयात करेगी। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करें तो वर्ष 2019-20 में देश में तुअर की दाल 38.80 मैट्रिक टन, उड़द की दाल 24.50 मैट्रिक टन, मसूर की दाल 13.50 मैट्रिक टन, मूंग दाल 26.20 मैट्रिक टन और चना दाल 116.20 मैट्रिक टन उत्पादित किए गई थी। बड़ा उत्पादक होने के बावजूद कम पड़ जाती है दाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 5 वर्ष पहले जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोजाम्बिक से दलहनों के दीर्घावधिक आयात संबंधित MOU को मंजूरी दी थी, तभी कहा गया था कि अगले 5 वर्षों में आयात दोगुना किया जाएगा। हालांकि भारत दुनिया में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश को हर वर्ष लाखों टन दाल की कमी पड़ती है। कभी सूखे के कारण तो कभी अन्य कारणों से घरेलू उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाती रही है। रिपोर्ट, बाकी टाइम्स टीवी।